चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी वर्षों में कह रहा है का व्युत्कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्कर्म का योग जो है 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए यह कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है और रहमान की आयु का व्युत्कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद का व्युत्कर्म का योग जो है 1/3 है तो उसकी आयु ज्ञात करना है तो उसकी वर्तमान आयु। तो मान लेंगे सबसे पहले कि रहमान की जो है वर्तमान आयु जो है हम लोग का x है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x, ठीक है, x वर्ष है, वर्षों में दिया है तो x वर्ष हो गया, ठीक है। रहमान का वर्तमान उम्र हम लोग मान लेंगे x है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व बोला है तो हम लोग जैसे ही 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी उम्र लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व। जब भी 3 वर्ष पूर्व बोलेगा ना या कितना वर्ष पूर्व बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, यानी 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व जो है हम लोग रहमान का आयु x माइनस 3। फिर हम लोग का आएगा, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात जो है पुनः लिख देंगे, 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिख देते हैं, 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र बराबर एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है, एक्स प्लस 5 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि दोनों के व्युत्कर्मों का योग जो है 1/3 है, बोला है ना, दोनों के व्युत्कर्म, व्युत्कर्म का मतलब होता है उल्टा, व्युत्कर्म का मतलब क्या होता है उल्टा, तो लिखेंगे प्रश्न से कभी भी लिखेगा व्युत्कर्म, व्युत्कर्म का मतलब होता है उल्टा, यानी दोनों के व्युत्कर्मों का योग, यानी दोनों के व्युत्कर्मों का योग यानी 1/ और फिर इसको भी लिखेंगे 1/, व्युत्कर्म का मतलब क्या होता है उल्टा, यानी 1/ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि इसका एलसीएम कैसे निकाल के बना रहे हैं, है ना, तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 3 और एक्स प्लस का 5 एलसीएम ले लिए हैं। अब इतना जैसे ही एलसीएम लें तो इतना से इतना कटेगा तो कितना बचेगा एक्स प्लस का 5 बच जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5x से इतना कटेगा तो कितना बचेगा फिर एक्स माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए x प्लस का 5 प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा प्लस का x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, अब बट्टा में क्या करेंगे गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x में 5 से तो 5x हो जाएगा, फिर देखिए ये माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में x है तो 3x प्लस प्लस माइनस माइनस 5 से यहीं 15 बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। अब देखिए 5 बढ़ाएगा तो 5 का चिन्ह निकाल देंगे और 5 में से 3 घटा देंगे, देखिए प्लस माइनस अलग अलग है ना, तो इसलिए 5 है 3 है तो 5 का चिन्ह लगा देंगे और 5 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इधर, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये 5 है यहाँ पे भी 3 है 5x 3x, फिर 5 में तो 5 का चिन्ह लगा देंगे प्लस और 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको कटा देंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग ले लेंगे, आगे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इतना को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 बराबर, अब इतना में इतना से गुना करेंगे तो 3 × 6x प्लस 3 × 6, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। अब समझिएगा यहाँ पे, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समझिए फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 6x है, है ना, तो 6x बढ़ा है कि 2x तो 6x बढ़ा है तो 6x का चिन्ह लगा देंगे और 6 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
मान लीजिए 15 रुपये किसी से कर्जा लिया है, निगेटिव का मतलब होता है कर्जा, मान लीजिए 15 रुपये किसी से कर्जा लिए हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि से फिर 6 रुपये और कर्जा ले लिया, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 15 6 21 ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना हो जाएगा 0 ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग जिससे मन करे हम लोग, या तो मन करे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए तो गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, या तो हम लोग क्या कहते हैं मन करेगा तो गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, या हम लोग इसका डायरेक्ट द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगा के बना देंगे। तो क्या जरूरत है हमको थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जाने का, सिंपली हम लोग क्या करेंगे ये क्वेश्चन को हमको तो बोला तो नहीं ना है कि इसमें द्विघात समीकरण का यूज करना, नहीं ना बोला है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। यानी मान लीजिए कि 7 5 कितना होता है 7 3 का कितना हो जाएगा 21, हमको मान लीजिए 21 लाना है ना, तो 7 3 का 21 होता है। अब 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 7 3 का 21 भी आ जा रहा है, यानी गुणा करने पर 21 और घटाने पर कितना आ जाएगा 4। तो सिंपली इसी को रख लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग x² माइनस, फिर क्या करेंगे देखिए 7 - 3 कर देंगे, 7 में से 3 घटा दिए तो कितना आ गया 4 है ना, एक से तो 1 - 21 बराबर क्या कर देंगे 0, यानी x² समझिएगा हमें प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा 21 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा इधर x² है तो x², अब देखिए 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 7 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 4x, फिर मतलब इतना हो जाएगा ना, तो इतना मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये अलग और ये वाला अलग पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 7, फिर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स माइनस का फिर कितना हो जाएगा 7, देखिए 7 3 में 1 से तो 3x 7 3 का 21 हो जा रहा है, तो इतना और इतना दोनों हो गया, देखिए ये वाला एक वाला रहा है, तो इसमें से एक को निकाल देंगे, एक्स माइनस के 7 को निकाल देंगे और इसमें किसको एक्स प्लस का 3 को निकाल देंगे, एक्स प्लस के 3 को बराबर 0। अब लिख देंगे चूँकि x - 7 = 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर 7 हो जाएगा, फिर लिखेंगे x प्लस का 3 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए कौन पॉजिटिव में आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे कि रहमान का वर्तमान आयु जो है हम लोग x माने थे तो x का मान 7 लेंगे, निगेटिव हम लोग का किसी का भी उम्र निगेटिव में नहीं ना होता है, इसलिए निगेटिव नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग अमान्य अमान्य, लिखेंगे रहमान की आयु बराबर, आगे लिखेंगे हम लोग रहमान की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान उम्र बराबर कितना 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष लिख दिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग शुरू से थोड़ा सा एक बार आप लोगों को दिखा दे कि आप लोग जिसको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेंदी तो थोड़ा सा क्वेश्चन जा रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि शॉर्ट कर सके हम लोग। ठीक है, क्या किए हैं, एक्स है 3 वर्ष पूर्व का है तो एक्स माइनस 3 कर दिए हैं, और 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे बाद, और पूर्व बोलेगा हमेशा याद रखिएगा, पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे, बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे, इतना लिखिए। और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए और बराबर कितना कर दिए 1/3 बोला है तो 1/3 कर दिए। और उसके बाद सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि इसको कटाते छटाते करते है ना, गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, इसको ले आके यहाँ पे एक्स बराबर पॉजिटिव में आ गया तो एक्स बराबर पॉजिटिव में ले लिए हम, इसको अमान्य मान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। ठीक है, अंकों का योग क्या है 30 है, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल जो हम लोग का 210 होता है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक हमको निकालना है सिंपली। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि शेफाली गणित और अंग्रेजी में जो है दोनों का योग कितना रहा है 30 आ रहा है ना। शेफाली को मान लेते हैं हम लोग प्राप्त अंक जो है, देखिए यहाँ पे गणित में 2 अंक मिल रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक मिल रहा है, उनके अंकों का गुणनफल दे रहा है तो दोनों के विषय को अंकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या कि अंग्रेजी में शेफाली का अंक जो है x हो रहा है, मान लीजिए दोनों का, देखिए समझिएगा, मान लीजिए दोनों का गणित और अंग्रेजी का दोनों का योग 30 आ रहा है, तो मान लीजिए मैथ प्लस इंग्लिश बराबर कितना हो जाएगा 30। मान लीजिए हम लोग समझिए यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, देखिए इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली जो है अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना आ रहा है
30 आ रहा है, प्राप्त अंगों का योग कितना है 30 है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैथ का है तो मैथ लिख देंगे और प्लस इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख देंगे, बराबर योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अगर मानते हैं हम लोग, मान लीजिए कि लिखेंगे यहाँ पे कि माना लिख देते हैं, माना अगर लिखते हैं समझिएगा, माना मैथ में हम लोग का एक्स आ रहा है, मैथ में एक्स मांग रहे हैं, तो मैथ में अगर एक्स मान रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे मैथ में एक्स मान रहे हैं प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 30, तो ई बराबर हम लोग को मानना चाहेंगे तो ई बराबर 30 में से क्या करेंगे एक्स घटा लेंगे ना, तो ई का मान इतना और एक मैथ का कितना मान रहे हैं एक्स मान रहे हैं, माना कि मैथ में मिला अंक एक्स है और इंग्लिश में मिला अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स होगा ना क्योंकि दोनों का योग कह रहा है ना इतना, इसीलिए हम लोग एक्स मान के बनाएंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, समझिएगा पाँच नंबर मान लेंगे हम लोग कि माना गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त किया गया अंक, है ना, प्राप्त किया गया अंक बराबर x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, माना शेफाली द्वारा प्राप्त किया गया अंक बराबर x। तो उसके बाद अगला हम लोग मानेंगे कि अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक लिख देंगे यहाँ पे, अंग्रेजी में प्राप्त किया अंक, अब देखिए दोनों का योग कितना था तो 30, तो 30 में से x घटाएंगे तभी ना आएगा, अभी बताएं ना, समझाएं इसको, है ना। यहाँ पे मान लीजिए अंग्रेजी यानी ई लिख दिए हैं, अब ई में से 30 में से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए m प्लस का e बराबर कितना है 30 है, तो मैथ को मान लिए हम लोग x मान लिए हैं, तो मैथ को x मान लिए हैं बराबर e बराबर कितना हो जाएगा 30, अब e बराबर कितना हो जाएगा 30 में से इसको घटा देंगे x, तो इंग्लिश का हो जाएगा, तो वही इंग्लिश का हम लोग यानी अंग्रेजी का x माइनस 30 लिख दिए हैं, ठीक है समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब आगे क्या कह रहा है, दोनों का यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है समझिएगा क्वेश्चन में कि मैथ में हम लोग को मैथ में दो अधिक मिल रहा है, तो देखिए मैथ में हम लोग का कितना है एक्स माने है ना, तो मैथ में दो अधिक, तो दो अधिक कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग का कि अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले, तो अंग्रेजी का अंक हम लोग का क्या है, यही ना है, अंग्रेजी का अंक इतना है, तो अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले हैं, तो तीन अंक कम कर देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना आ जा रहा है 210 आ जा रहा है, बस यही कर देंगे, हो गया, समझ में आ रहा है। तो लिख देंगे प्रश्न से, लिखेंगे क्या चीज़ कि अंग्रेजी में हम लोग को दो अंक अधिक हो रहा है, अंग्रेजी में दो अंक अधिक मिल रहा है, और सॉरी मैथ में हम लोग को दो वो अंक अधिक मिल रहा है गणित में, और अंग्रेजी में हम लोग को कितना मिल रहा है 30 में से x घटा देंगे और तीन अंक कम मिल रहा है, और जब तीन अंक कम मिल रहा है तो दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है 210 हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है, यही ना है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेके गुणनखंड गुणा करके और बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 है तो 30 नहीं, 30 में से तीन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, अब माइनस का क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 210, ठीक है। अब देखिए 27 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27x, है ना, अब फिर इसमें करेंगे देखिए प्लस माइनस माइनस, x में x है तो x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 27 में 2 से तो 27 दुना यहाँ पे 54, 4 दुना 2 4 एक 5 54, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 210। अब क्या करेंगे 210 को खींच के इधर लाएंगे, सबसे पहले इसको सीधा करते हैं, तो इसको सीधा करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 27 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 27 बड़ा है, 27 का चिन्ह लगा देंगे और 27 में तो 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25x, अब प्लस का 54 है तो प्लस का 54 इसको खींच के इधर लाएंगे तो 210 माइनस का हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब देखिए 210 में से 54 घटा देंगे, 210 बड़ा है कि 54, तो 54 210 बड़ा है तो 210 का चिन्ह घटा देंगे और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 156, ठीक है 156 आ जाएगा हम लोग का, 156 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 156 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें माइनस हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, माइनस को एलसीएम लेके हटा देंगे, कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और ये क्या हो जाएगा प्लस का
छप्पन बराबर जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 156 बराबर जीरो, तो ये माइनस ये प्लस हो गया। अब ये माइनस को इधर भेजेंगे तो ये कट जाएगा और बच जाएगा हम लोग कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स प्लस का 156 बराबर जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को मन नहीं कर रहा है द्विघातीय बहुपद द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब 156 तो हालांकि लेंदी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे बनाएंगे तो हम लोग एक तरीका सीखते हैं। देखिए एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 7 × 14 = 8 × 16, फिर 2 से कटाते हैं 3 × 6 = 9 × 18, फिर यहाँ पे देखिए 13 × 39। अब देखिए, अब ऐसा अंक यही तीनों संख्या चार गो संख्या से निकालना है कि गुना करने पर 56, इसको गुना करेंगे तो 156 आएगा ही एकदम फिक्स है, 13 में इतना इतना से इतना करेंगे तो 156 आएगा ही, लेकिन इसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर हम लोग कितना आ जाए, 25 आ जाए। अब ऐसा संख्या निकालेंगे इसी संख्या से, समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए 13 × 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 26 हो जाएगा, 3 × 6 ज़्यादा हो जा रहा है, है ना, नहीं हो जाएगा। तो 13 × 26 ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करिए, 13 ऐसे ना देंगे, 3 × 9 = 18 आप प्लस 13 × 13, तो अब देखिए तो आ रहा है 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक काम करिए, 3 × 6 = 12 ना हो जाएगा, 3 × 6 = 12, तो 8 में से मान लीजिए 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आई मान लीजिए, तो ये होबे नहीं करेगा, 6 भी आ जा रहा है, जोड़ेंगे तो 5 × 3 = 8 नहीं आएगा। तो एक दूसरा काम करते हैं, तो देखिए 13 × 26 लेते हैं, 3 × 6 है ना, तो भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 18 यहाँ पर 12 13 की जगह पर लिख दिए, इसको तोड़ते हैं फिर, समझिएगा 78 हो गया, फिर 2 से 39 हो गया, फिर 13 से 13 = 39 हो गया। अब देखिए 13 है तो 13 रहने दे रहे हैं, 13 है तो 13 रहने दे रहे हैं, और देखिए 3 × 6 = 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 और ये 5 25 हो जा रहा है। तो यानी गुना करने पर भी 25 आ जाएगा, जोड़ने पर भी क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। गुना करने पर ही दोनों को 13 में इतना से गुना करेगा तो 25 आ जाएगी, 156 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समझिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 और प्लस का कितना कर देंगे 12, तो 13 × 12 कितना हो जाएगा, 13 × 12 = 24, 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस का कितना 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 में एक्स है तो 13x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12 में एक्स है तो 12x बराबर 156 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस कितना हो जाएगा 13, और माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो फिर एक्स और फिर माइनस का 13 लिख देंगे, तब 13 में 12 से गुना करेंगे तो कितना 156 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए माइनस लिए हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है, और x माइनस का 13 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, x माइनस का 12। देखिए इस तरह बनाएंगे ना तो सिंपली वे में बन जाएगा, अब द्विघात में ऊपर निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वैसे इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि लिख देंगे x बराबर एक्स माइनस लिख देते हैं, पहले एक्स माइनस 13 बराबर 0 होगा, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एक्स बराबर 13 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो गया, दोनों प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस में क्या आ रहा है, दोनों हम लोग का प्लस प्लस में आ रहा है। तो हम लोग का अब दूसरा, अब लिख सकते हैं कि गणित में प्राप्त अंक 12 या 13 लिखेंगे हम यहाँ पे कि गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 या 13 लिख सकते हैं, 12 या 13 है ना, 13 या 12 या 12 या 13 लिख सकते हैं। अब हम लोग को पूछेगा कि अंग्रेजी में, तो लिखेंगे कि अंग्रेजी में बराबर प्राप्त अंक बराबर, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 में से पहले 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 8, 10, 18 आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं या 30 में से फिर 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो या तो 17 आएगा, या तो 18 आ जाएगा, या 8, 10, 12 आएगा, या 13 आएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, ये दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो एक बार हम आप लोग को फिर इसको थोड़ा सा शुरू से अंत तक दिखा दें कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और लोग आप लोग लिखना चाहें तो इसको आराम से थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर 5 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझिएगा। हम लोग का अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि एक आयतकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की
भुजाएं ज्ञात करें, समझिएगा इसको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले समझा के उसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, ठीक है, 60 मीटर यानी छोटी भुजा से। तो मान लेंगे सबसे पहले कि हम लोग का छोटी भुजा जो है x है, छोटी भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए छोटी भुजा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी विकर्ण जो है विकर्ण, तो विकर्ण लिख लेंगे, विकर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा कितना है x है और हम लोग का छोटी भुजा से कितना 60 अधिक है, तो 60 लिख देंगे, 60 अधिक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितना है x है और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से, है ना, बड़ी भुजा यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो 30 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। बस इतना ही को हम कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चंस को मतलब सिंपल वे में बना के देख लेंगे। देखिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x है, ठीक है, x है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझाए हम, तो हम लोग फिर क्या मानेंगे, विकर्ण क्या मान लेंगे, x प्लस का 60, क्यों, क्योंकि विकर्ण जो है हम लोग का छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो लिखेंगे क्या चीज़ कि विकर्ण बराबर, लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, विकर्ण बराबर छोटी भुजा से 60 अधिक था, तो 60 अधिक कर दिए, ठीक है। अब बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 अधिक था, तो 30 अधिक लिख दिए, ठीक है। अभी देखिए छोटी भुजा विकर्ण बड़ी भुजा, यानी एकदम सिंपल वे में हम लोग बनाते हैं। तो मान लीजिए एक आयत है, यहाँ पे आयत है और ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण हम लोग का दे दिया है, हम लोग का कितना, तो x प्लस का 6 दे दिया है, छोटी भुजा हम लोग का x दिया है और ये क्या दिया है, x प्लस का 30 दिया है। यानी हम लोग एक फॉर्मूला जान सकते हैं कि विकर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर जुड़ आधार स्क्वायर, जानते हैं ना, विकर्ण बराबर छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं, यानी कहने का मतलब एक समझ सकते हैं आप लोग। एक हम लोग का होता है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का कर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, कर्ण जो है हम लोग का विकर्ण हो जाएगा, सिंपली आपको समझा दे रहे हैं, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना हो जाएगा, जितना लंबा ये लंबा है ना ये वाला पोर्शन क्या है हम लोग का लंबा है, तो इसको लिख देंगे क्या चाहिए, छोटी भुजा का स्क्वायर तो लिख देंगे छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस आधार कितना है तो आधार हम लोग का यही ना है, आधार हम लोग का ये है तो इसको आधार यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए विकर्ण हम लोग का कितना दिया है, तो विकर्ण हम लोग का x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर छोटी भुजा हम लोग का x स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा हम लोग का कितना दिया है x प्लस का 30 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, बस इसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। हालांकि इसको पहले तोड़ते हैं, हम लोग साइड में इधर लेते हैं क्योंकि जगह का कमी पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़। अच्छा एक और काम करते हैं, समझिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर इससे बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और तरीका है हम लोग, देखिए इसको x प्लस का 60 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको खींच के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी x प्लस का 30 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करके एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन, दो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हमें दूसरा फॉर्मूला कौन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए भी ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये पूरा को ए मान लेंगे, इसको पूरा को बी मान लेंगे, ये पूरा को ए माने हैं पूरा को बी माने हैं, तो ये पूरा को ए माने हैं यानी ए प्लस बी, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, समझ रहे हैं, इसको पूरा ए माने इसको बी माने, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब ये पूरा को ए माने इसको पूरा को बी माने, तो इसको ए प्लस बी, पहले में ए प्लस बी यहाँ पे फॉर्मूला ना, तो ए प्लस बी लिखेंगे कितना, एक्स प्लस का 60 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस का
30, तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी x प्लस का 60 माइनस, है ना, माइनस, अब बी ए माइनस बी, माइनस बी बी बराबर ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 60 30 90। और यहाँ पे देखिएगा एक से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखिए 60 बढ़ाएगी 30 बढ़ाए तो 30, 60 बढ़ाए तो 60 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, जैसे हम लोग समझिएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 एक्स प्लस 9 3 27 लिख देंगे, एक इसका जीरो एक इसका जीरो लिख देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच के उधर ला जाएंगे क्योंकि प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इसको खींच के, तो ये एक्स स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 60x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2700। अब इतना आ गया, अब इसको हम लोग बराबर इक्वल करके अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं तो डी पर निकाल देंगे, इसको डी पर निकाल दीजिए, एक्स बराबर मान लीजिए माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, इसमें का ए बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 60 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2700 हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस का बी यानी माइनस का ये और इसका भी माइनस का कितना है माइनस का 60 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी बराबर कितना है माइनस का 60 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4। ए बराबर कितना दिया है तो ए बराबर हम लोग का एक दिया है, ए बराबर एक दिया है, और सी बराबर कितना दिया है तो माइनस का 2700 बटा में कितना 2, ए बराबर कितना है तो ये बराबर हम लोग का एक है तो एक लिख देंगे, और सिंपली सॉल्व कर देंगे, प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 27 4 का, है ना, तो 27 4 का हम लोग का हो जाएगा 127 4 का हो जाएगा हम लोग का 27 4 का ये हो जाएगा हम लोग का 108, ये 00 हो जाएगा, ठीक है, 108 00। अब बटा में कितना हो जाएगा 2, अब इसको जोड़ दीजिए 60 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको जोड़िए तो 0 0 8 6 14 4 1 3 1 4 ये 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, अब इसको फिर 60 प्लस माइनस, इसको देखिए 120 हो जाएगा, बराबर है 144 तो 120 बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान निकालना होगा तो x बराबर 60 प्लस 120 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 90। x का मान एक बार 90 आ गया, फिर x बराबर 60 माइनस का 120 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, माइनस का 60 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य लिख देंगे, अमान्य लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग छोटी भुजा हम लोग मानेंगे कि छोटी भुजा बराबर छोटी, जो भी माइनस वाला आ जाएगा ना उसको छोड़ देंगे, छोटी भुजा बराबर हम लोग का कितना जाएगा 90, छोटी भुजा 90। अब पूछेगा मान लीजिए भुजा क्या पूछ रहा है हम लोग का, भुजा पूछा है क्या, खेत का भुजा पूछा है, ठीक है, तो छोटी भुजा 90 हो जाएगा। अब बड़ी भुजा हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए बड़ी भुजा हम लोग का, बड़ी भुजा x प्लस का क्या था 30 था, तो x प्लस का 30 बराबर 90 और प्लस का कितना हो जाएगा 30, यानी 9 3 12 यानी 120 मीटर, मीटर में है, अगर मीटर में है तो मीटर, तो 120 मीटर, है ना। तो इस तरह हम लोग एकदम आसानी से 6 नंबर क्वेश्चंस को भी, हालांकि ये सब वीडियो जो है ना लेंदी लेंदी होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत लेंदी लेंदी है, है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर आप लोग को एक बार समराइज कर देते हैं शुरू से अंत तक, आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। फिर हम लोग का अभी 7 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हम लोग का 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा सबसे पहले क्वेश्चंस को, हम लोग समझेंगे हर एक क्वेश्चंस को कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है, मान लीजिए पहली संख्या हम लोग x मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और दूसरी संख्या y मान रहे हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्ग का मतलब होता है क्या, स्क्वायर का अंतर जो है हम लोग का कितना आ जा रहा है, 180 आ जा रहा है, ये हम लोग का बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना आ जा रहा है 180, तो 180 लिख दिया।
अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है। तो छोटी संख्या देखिए माइनस वाला है तो यही ना छोटी संख्या होगा, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है, तो बड़ी संख्या का आठ गुना है, बस हो गया सॉल्व। इसी से हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आ रहा है, इसी से हम लोग सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग का इक्वेशन बना के तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहते हैं दो तरीके से आप लोगों को बताते हैं, देखिए कितना सिंपल तरीका से बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x आ छोटी संख्या बराबर y, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। आ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, बोले समझ में आ रहा है ना, बता रहे हैं प्रश्न से, समझ में आया, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का और छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, तो 180 लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। पुनः हम लोग का कह रहा है क्या, पुनः कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के आठ गुनी की, तो बड़ी संख्या के आठ गुनी के बराबर है, इक्वेशन नंबर टू लिख दिए। अब लिखेंगे एकदम सिंपल बनाएंगे, हम लोग को कोई बड़ा चीज़ नहीं करना है, ठीक है, एकदम सिंपल में बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण एक में वाई स्क्वायर बराबर आठ रखने पर तो हम लोग का समीकरण एक यही ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 180 है। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 8x, तो वाई स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 8x, इसको खींच के चाहे बराबर अभी रख देते हैं, अब खींच के लाएंगे इधर। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इसको खींच के इधर ला दीजिए, तो कितना माइनस का 180। अब हम लोग क्या, कुछ नहीं, बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे 180 को तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 9 से तोड़ते हैं, तो 9 दुना 18 एक जीरो लिख देंगे। अब इसको तोड़ते हैं मान लीजिए 5 से, तो 5 चौका 20, ठीक है। अब इसको अब सिंपली तोड़ देंगे, 9 को 5 को 2 को तोड़ेंगे, तो देखिए 3 तरीका 9 5 है तो 5, 4 को तोड़ेंगे तो 2 दुना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 2 दुना 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ऐसा संख्या लाना है जिसको गुणा करें, तो इसको तो गुणा करेंगे तो 180 आएगा ही आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 180 आएगा ही आएगा, आप लोग दिए आप लोग किए होंगे भी होंगे, है ना। लेकिन अब इसको करना है कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो अब देखिए करते हैं कुछ, तो 5 दुना 10, 10 दुना 20, 3 तरीका 9, है ना, ज़्यादा हो जा रहा है ना। फिर दूसरा तरीका हम लाएंगे, 5 तिहाई 15, आ 3 दुना 6 दुना 12, तभी नहीं आएगा, 3 दुना 6 दुना 12 तभी नहीं आएगा, 5 से 15, 15 दुना 30, 30 हो जा रहा है, यहाँ 3 दुना 6 ये भी नहीं होगा ना। सिंपली फिर हम इसको देखते हैं, 5 चौका 20 में से 5 चौका 20, अब 20 में से 9 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग, फिर मान लीजिए 3 × 3 × 5 × 2 × 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका हम लोग अपना सकते हैं इसको, देखिए फिर यहाँ पे लिखते हैं 3 × 3 × 5 × 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे 5 × 10, एक जगह ये 10 हो गया, 10 लिख देते हैं, 3 तरीका 9, 9 दुना 18, ये 18 हो गया। अब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 18 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। अब यही हम लोग घटा लेंगे, 18 में से 10 घटा देंगे, समझ में आ रहा है, 18 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा मन करेगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको यूज कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से 10 घटा देंगे, 18 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, एक्स है तो एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 180। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का कितना 180 हो गया। अब फिर इसमें और इसमें अलग अलग करके कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना x माइनस का 18 और प्लस इसमें 10 कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस का 18। देखिए ये वाला इक्वल आ गया, फिर लिखेंगे कितना x माइनस का 18 और फिर ये x माइनस x प्लस का 10। अब लिखेंगे चूँकि x माइनस 18 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 18, है ना। फिर लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 10 जो आ गया
माइनस का 10, 2 मिनट मिस्टेक हो रहा है क्या, कहेंगे हम लोग 18 और 10। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग का ये माइनस में आ गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अमान्य मान लेंगे। यानी एक्स का मान हम लोग का देखिए 2 आया, तो इसको हम लोग अमान्य मान लेंगे। यानी बड़ी संख्या हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर हम लोग का कितना है, एक्स बराबर कितना है 18, तो 18 लिख देंगे। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, वाई का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, तभी हम लोग का आएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8x, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स बराबर 18 रखने पर, 18 रखने पर, अब x का मान हम लोग 18 रख रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे एक्स, एक्स था ना, तो x यानी 8 गुणे में कितना 18, तो 18 बटे कितना हो जाएगा 144, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना 144 है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर 144 है ना, रूट ओवर, यानी y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 12 आ गया, यानी y का मान प्लस माइनस का 12, यानी लिखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर 18, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या जो है हम लोग का y का मान है ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का 12, या एक बार 12 हो सकता है, या एक बार क्या लिख सकते हैं, या माइनस का 12 लिख सकते हैं, या 2 हो सकता है हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है, या 12। तो इस तरह हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को भी क्लियर किए है ना, 7 नंबर क्वेश्चन को भी क्लियर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, एक बार इसको शुरू से आप लोग देख लीजिएगा कि दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे शुरू से हम आप लोग को लास्ट तक दिखा देते हैं कि आप लोग को जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा वो लोग आसानी से आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।